हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखो, श्याम हो रही है इस टाइम पे, और मैं आज श्याम को अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कल संडे है तो आज है सैटरडे। और सैटरडे में देखो, मैंने 2 दिन कपड़े नहीं धुले, और 2 दिन में देखो कितने कपड़े बढ़ चुके हैं, चादरें वगैरह। मेरा विचार था कि मशीन लगाने का, और मशीन मेरा था कि संडे को लगाऊंगी मैं सुबह मॉर्निंग में, लेकिन फिर मन हो रहा है कि अभी लगा देती हूँ शाम को ही, और आधे ज़्यादा काम तो हल्का ही हो जाएगा फिर सुबह तक। तो देखो, एक टब मेरा अंदर भिगाया हुआ है, कुछ ये हैं चादर वगैरह, अभी खोज के और भी लाऊंगी, क्योंकि मशीन लगानी है तो कपड़े तो फिर पायदान वगैरह सारे धुलने पड़ेंगे ना, क्योंकि जब मशीन लगती है तो फिर मेरे आधे अभी धुल जाएंगे और आधे। और यहाँ पे ये जो वॉशिंग मशीन बाहर रखी रहती है बरामदे में, तो इसे मैं ले जा रही थी थोड़ा बाथरूम की साइड में, क्योंकि यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, और वैसे इसे मेरे महीने में ही लगती है, तो फिर मेरे को ज़्यादा झंझट महसूस नहीं होती है। कभी एक महीने में एक बार खिसका भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे तो ये बाहर में ही रहती है, क्योंकि बाथरूम छोटा सा है, जगह नहीं होती। और यहाँ पे कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे, तो मैंने बताया आपको 2 दिन से मैंने कपड़े कुछ भी नहीं धोए थे, क्योंकि जब हम लोग इधर उधर से जाते हैं तो फिर कपड़े नहीं मतलब धुल पाते हम घर में, तो इसलिए मैंने इकट्ठा कर दिए थे। वैसे तो मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ, लगे हाथ फटाफट धो लेती हूँ, लेकिन ये चादरें वगैरह, बेड शीट थी पूरी, और घर के पूरे पायदान थे, तो फिर इनका नंबर अब कभी आता है महीनों में या 15-20 दिन में, तो इसलिए मेरे इकट्ठा करे हुए थे। और यहाँ पे ना ये मेरा ढक्कन देखो नीचे गिर गया था, कई बार गिर चुका है, लेकिन ठीक है, मजबूत है, अच्छी कंपनी का है, LG कंपनी की वॉशिंग मशीन है, तो इसलिए बहुत अच्छे से चल जाती है ये। और यहाँ पे मैं बाल्टी से ज़्यादा पानी डालती हूँ, मैं पाइप वगैरह कुछ भी नहीं, जितना काम हो सके मैं हाथों से ही अच्छा मानती हूँ करना। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 छोटी बाल्टी पानी ले लिया था, और इसको मैंने जितना मुझे चाहिए, मतलब जितने मेरे कपड़े हैं उस हिसाब से पानी एडजस्ट कर लिया था, सर्फ़ डाल दिया था उसमें, सर्फ़ ज़्यादा चाहिए होता है इन कपड़ों के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने कपड़े हो गए थे, तो कुछ तो मैंने जो मैंने एक एक बार के पहने हुए थे उनको तो मैं हाथ से धुल दूँगी, और ये वाली जो चादरें हैं इसमें घूमती रहेंगी फिर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मशीन चल रही है तो तब तक मैं खाली क्यों बैठूँ, क्यों ना मैं दूसरा काम कर दूं, तो इसलिए मैं बैठने वालों में से तो हूँ नहीं। तो कुछ कपड़े मैं मशीन में डाल दूंगी, और कुछ मैंने बाथरूम में टब में भिगोए हुए हैं उनको मैंने हैंड से ही फटाफट से वॉश कर लेना है। तो ये देखिए, ये मेरे कुर्ते एक एक बार के थे पहने हुए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बीमारी है, तो एक ही बार मतलब जैसे कहीं बाहर गए मार्केट, तो एक बार में कपड़े मैं बाहर ही डाल देती हूँ, और इनको मैं थोड़ा बहुत सर्फ में ही डाल देती हूँ, और सर्फ में जल्दी जल्दी से ये अच्छे से वॉश भी हो जाते हैं, और मशीन तो मेरी चलती ही रहेगी। इतने में मैंने कहा हाथ से ही मैं पूरे कपड़े धुल दूँ, तो ये देखिए मेरी एक बाल्टी पूरी कपड़ों की धुल चुकी है, और ये 1 बाई मैंने एक एक बार ही पहने हैं। और इतने में देखो, ये जो मेरी मशीन है ये अभी तक चल ही रही है, अभी मतलब इसका एक चक्कर मरा है, अभी दूसरा चक्कर मराना भी बाकी है, तो देखो मेरा काम कितनी जल्दी जल्दी हो गया। तो जब तक ये चलती है इतनी देर, तो मैं छत में भी चली जाऊंगी और कपड़े वगैरह डाल के भी आ जाऊंगी। तो मैं ज़्यादातर काम वैसे हाथ से इसलिए मानती हूँ कि एक तो इसमें एनर्जी आती है, एक्टिविटी बनी रहती है अपनी, और जितने काम हम अपने हाथ पैर ज़्यादा चलाएंगे उतने ही मतलब पूरा जो शरीर है वो एकदम फुर्तीला सा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादातर काम जैसे पोछा लगाना हो, झाड़ू लगाना हो, ये सारे काम मैं फटाफट से कर लेती हूँ। मैं मतलब कुछ ऐसा करती नहीं हूँ कि मतलब कि मशीन लगा दी और चल रहा है कि तब तक हम बैठ जाएं, और पानी वगैरह भरना भी हो तो मैं हाथों से ही फटाफट से कर लेती हूँ। ये देखो हन्नी कैसा नाच रहा है जब भी देखो वीडियो में। और यहाँ पे ना एक बाल्टी ली थी अभी, मतलब बेचने वाला आ रखा था, तो उसने बोला कि 100 रुपये में 2 सर्फ के पैकेट हैं और एक बाल्टी फ्री है, तो टब भी फ्री दे रहा था, लेकिन मैंने टब नहीं लिया। टब है हमारे पास, 2-3 टब रखे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो, बाल्टी एक टूट गई थी और छोटी सी बाल्टी है, स्मॉल सी, कपड़े वगैरह डालने के काम आ जाएगी ये। आ रहा है कुछ ग्लो चेहरे पे। वैसे तो आज दूसरा ही दिन है, कल संडे था ना, आज ही तो है संडे, कल सैटरडे को किया था मैंने और आज है संडे। और ये वाली वीडियो आपको मिलेगी कल मंडे को, और ये वीडियो है संडे को बनाया है मैंने, क्योंकि आपको पता है कि संडे का जो रूटीन है बहुत ही बिजी रहता है,
और संडे ऐसा दिन है कि उसमें जैसे बालों में मेहंदी वगैरह लगाना हो या बच्चों के नेल्स काटना हो, कपड़े वगैरह धोने हो, सारे काम उसी में हो जाते हैं। तो एक हफ़्ता ऐसा होता ही है। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अपनी फ्रेंड को मिलने, वो आई है, तो उसी के लिए मैं अचार वगैरह भी रख रही थी यहाँ पे। तो देखिए आज हम आ रखे हैं यहाँ पे, ये देखो मीना दीदी भी आ रखी है आज। लड़का देखो कितना अच्छा है, क्यूट सा, कितना प्यारा है, देखो प्यारा लग रहा। नहीं फिर आ गए अपनी फ्रेंड से मिलने यहाँ पे, ये देखो एक बार पहले भी डालती वीडियो, एक बार आज फिर से, ये देखो कितना प्यारा सुंदर था। और लड़का देखो कितना सुंदर सा लग रहा है ना, प्यारा सा। तो ये है इनकी ननद का लड़का, यानी जो मेरी ये फ्रेंड है मीना दीदी, तो ये अपनी ननद के यहाँ आई हुई थी, इन्हीं का लड़का है ये। और कितना प्यारा सा है ना, बहुत अच्छे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे। और यहाँ पे मैंने इसको सूट कर लिया था थोड़ा सा, मैंने कहा चलो वीडियो क्लिप ले लेते हैं। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा मैं आपको बता रही हूँ। ये है हमारी टिहरी झील का, और यहाँ पे ये पुल है, डोबरा चांटी पुल है। तो मेरी मम्मी गई हुई थी यहाँ पे, तो वीडियो शूट करी थी तो मुझे भेजी थी, मैंने कहा चलिए मैं आपको भी शेयर कर दूँगी और बता दूँगी कि कैसा लगा आपको। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, अगर थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।